भरतपुर से। भरतपुर में आज आयुर्वेद विभाग द्वारा निरोगी राजस्थान की संकल्पना के तहत बालिकाओं में एनीमिया के नियंत्रण अभियान की शुरुआत की गई है, जिसमें आयुर्वेद विभाग विद्यालय में बालिकाओं की स्क्रीनिंग परीक्षण कर उनको निःशुल्क औषधि वितरण की गई। कार्यक्रम की शुरुआत आयुर्वेद अस्पताल के सामने राजकीय एसबी के उच्च माध्यमिक विद्यालय से की गई। आयुर्वेदिक विभाग द्वारा कक्षा 9 से 12वीं तक की बालिकाओं के लिए यह निरोगी राजस्थान की संकल्पना के तहत अभियान चलाया गया, जिसकी शुरुआत भरतपुर जिला मुख्यालय से की गई, जिसमें आयुर्वेदिक विभाग द्वारा विद्यालय में जाकर बालिकाओं में एनीमिया की कमी से बालिकाओं को जागरूक करेंगे और उनकी स्क्रीनिंग कराई जाएगी और उनका परीक्षण होगा। साथ ही अगर उन्हें एनीमिया से ग्रसित पाया जाता है तो आयुर्वेद विभाग द्वारा निशुल्क औषधि का भी वितरण किया जाएगा। आयुर्वेदिक विभाग के अतिरिक्त निदेशक महेंद्र सिंह ने बताया कि कार्यक्रम की शुरुआत 1 जनवरी से होनी थी, लेकिन मुख्यालय इस पर शुरुआत आज से ही गई है, जिसमें विद्यालय में जाकर बालिकाओं का परीक्षण किया जाएगा और उन्हें एनीमिया की कमी के बारे में अवगत कराया जाएगा। एनीमिया से ग्रसित बालिकाओं को 45 दिन का उपचार दिया जाएगा, जिसमें उन्हें एक खुराक विद्यालय में ही उपलब्ध कराई जाएगी। और अगर आयुर्वेदिक विभाग का यह अभियान सफल रहा तो इसकी शुरुआत पूरे राजस्थान में की जाएगी। हर विद्यालय में जाकर बालिकाओं को ही नहीं बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों की भी महिलाओं और अन्य बालिकाओं की भी एनीमिया का उपचार दिया जाएगा, जो कि आयुर्वेदिक विभाग द्वारा निःशुल्क रहेगा। कि ये 1 तारीख से राजस्थान सरकार ने पायलट प्रोजेक्ट चलाया है भरतपुर संभाग स्तर से। मुख्यालय जिला भरतपुर से इसकी प्रारंभ हुआ है और पूरे भरतपुर जिले में कक्षा 9 से 12 में जो भी एनीमिक बच्चे हैं, रक्ताल प्रदाह से पीड़ित हैं, उनके लिए एक विशेष अभियान 7 दिन तक चलेगा। उनकी छांट होगी कि कौन बच्ची किस तरह से कितनी रक्ताल्पता में, उसके बाद ये आयुर्वेदिक लक्षण उसको आयुर्वेदिक जो है उसके बाद उसकी सीवी से जांच कराएगी। ये कंफर्म होने के बाद कि ये बच्ची वास्तव में ही रक्ताल्पता से पीड़ित है, उसको आयुर्वेदिक औषधि दी जाएगी और ये 45 दिन तक दी जाएगी। प्रयास रहेगा कि 1 दिन में 2